चलिए तो आज मैं आपको बताती हूँ आंवले की चटनी बनाना, वो भी सूखे आंवले की। तो ये आंवले जो हैं, ये आंवले आपको दिख रहे होंगे बट ये बहुत काले दिख रहे हैं क्योंकि इनको सुखा लिया था बहुत पहले। जब आंवले हमारे पास स्टोर करने हैं तो आंवलों को काट के सुखा देते हैं और उसको फिर हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये आंवले की बड़ी टाइप की बन चुकी है, तो इसको हमने भिगा लिया था एक दिन पहले। बहुत टाइम लगता है भीगने में, तो यहाँ पर आंवला भीग चुका है तो इसकी चटनी बनाना सिखाती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है सरिता जोशी और मैं रुद्रपुर में रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सी ग्राइंडर जार ले लिया है, इसमें मैंने डाल दी है 2-3 मिर्च और जो आंवला भीगा हुआ है उसको डाल देंगे। तो जो आंवला है इसमें खटास होती है, तो इसमें हमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसके साथ भांग मिक्स करके बना रही हूँ। तो भांग को सबसे पहले हम भून लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने हाथ में निकाल के इसको ढूंढ ले रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी गंदगी भी हो सकती है। सबसे पहले मैंने इसको हाथ में निकाल के भून ढूंढ लिया और उसके बाद तवे में डाल के इसको अच्छे से भून लिया है। जब हम तवे में भांग को भूनते हैं तो अच्छे से सावधानी से भूनना चाहिए क्योंकि हाथ भी जल जाता है। मैं तो अब बहुत एक्सपीरियंस हो गई हूँ इन चीज़ों में, तो फिर मैं तो हाथ से ही देख रहा हूँ, आप घुमा रही हूँ। बट आप लोग अगर ट्राई करो तो इसके ऊपर एक थाली रख सकते हो ताकि जो जब भांग तड़के तो वो ऊपर को चटके तो वो गिरे नहीं इधर उधर। उसके बाद फिर मैंने तवे में से ये भांग निकाल के मिक्सी ग्राइंडर में डाल दिया है और इसमें हम नॉर्मल मसाले डालेंगे, जैसे कि थोड़ा सा नमक डालेंगे, मिर्ची तो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, और थोड़ा सा अगर आप मसाला डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो मैंने ये सब कुछ डाल दिया है और इसको हल्का सा पानी डाल के इसको पीस लिया है। आप अपने अनुसार जितना आपको ठीक चाहिए वैसे आप कर सकते हो। अगर आपको पतली चटनी खानी है तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी मिला सकते हो। तो मैंने तो थोड़ा सा ही पानी मिलाया था, बाकी जब तक ये चटनी बन रही थी मुझे मतलब डाउट भी था कि कैसी बनेगी क्योंकि एक बार मैंने जो भांग की चटनी बनाई थी वो मुझे अच्छी लगी बट उतनी टेस्टी नहीं लगी क्योंकि उसमें कुछ खटास नहीं था ना, नींबू डाल के उतना टेस्ट लग नहीं रहा था। बट आज ये आंवला है तो इसकी चटनी वैसे अच्छी बनती है आंवले की, और पेट के लिए भी अच्छी होती है। तो यहाँ पे मेरी चटनी बनके तैयार हो गई और जैसे ही मैंने इसको खोला तो भांग की इतनी अच्छी खुशबू आई भुने हुए भांग की, मैं आपको बता नहीं सकती। इसका प्रयोग हम जब नींबू बनाते हैं ना पहाड़ों में, एक स्पेशल रेसिपी है तो उसमें भी प्रयोग करते हैं, उसमें बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर चटनी बनके तैयार हो गई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड मेरे पास कोई कैमरा होल्डर नहीं है तो जैसा भी ये एंगल बनता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाकी यहाँ पे चटनी हमारी तैयार हो गई, तो फटाफट इसको कटोरे में निकाल ले रही हूँ जितना भी इसमें चटनी है। एंड इसमें लास्ट में मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया कि कैसा हो रहा है, तो सही था सब कुछ, मतलब बहुत टेस्टी बना था, जितना मैंने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा अच्छा बना था। फिर मैंने ट्राई किया कि थोड़ा सा मैं गुड़ डालती हूँ कैसा होता है, क्योंकि मुझे नए नए इन्वेंशन करना बहुत अच्छा लगता है ना इसे खाने के साथ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ डाला बट मैंने उसको पूरा मिक्स नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि अगर चटनी फिर अच्छी नहीं हुई तो पूरी वेस्ट हो जाएगी। तो मैंने ऊपर से थोड़ा थोड़ा गुड़ डाला और उसके बाद अपने लिए मैंने इसको निकाल लिया था, पूरा मिक्स नहीं किया और देखा। तो उसके बाद मैंने जब कंपेयर किया तो गुड़ वाली जो चटनी थी वो थोड़ी मीठी हो गई थी, लेकिन कंपेरेटिवली ये वाली तीखी वाली चटनी टेस्ट की तो तीखी वाली ज़्यादा अच्छी थी। तो मेरे को अच्छा लगा कि अच्छा हुआ मैंने मिक्स नहीं किया वरना फिर कोई खाता नहीं। तो यहाँ पर मैं अभी चटनी खा रही हूँ, उसके साथ खाना खा रही हूँ आज रात का। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी, आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना, और जो शॉर्ट्स वीडियो कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सपोर्ट।